Hello everyone, welcome to my new video of chapter Can We Share? And in this video we will do some more interesting questions of division. So let us start. First is आपका जो बच्चों टॉपिक है वो है हाउ क्विक आर यू, है ना. तो आपको क्या करना है, डिवाइड इंटू ग्रुप्स ऑफ टू. आपको टू टू के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, है ना. जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग टू टाइम्स टेबल, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 18 को डिवाइड करना है 2 से, है ना. 18 आइटम्स हैं बच्चों, उसे 2 से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 के टेबल में 18 कौन से जा पे आते हैं, 9 जा पे, है ना. 2 9 जा 18, यहाँ पे हिंट भी दिया है 2 9 जा 18. तो 2 के टेबल पे 18 कौन सी पोजीशन पे आते हैं, 9th प्लेस पे, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे. ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पे 9 ही है. नेक्स्ट देखते हैं. अब क्वेश्चन है 18 को डिवाइड कर रहा है किससे, 9 से डिवाइड करना है. अब यहाँ पे हम किसकी टेबल यूज़ करेंगे, 9 की टेबल. तो 9 की टेबल में 18 कौन से पोजीशन पे आते हैं, है ना. तो 9 की टेबल पे टेबल में 18 आता है सेकेंड पोजिशन पे, है ना. 2 9 आर 18, है ना. 9 टू जा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2. ठीक है, और आपको यहाँ पे जैसे हिंट दिया है वैसे ही आप यहाँ पे लिख दोगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको. सिक्सटीन डिवाइडेड बाय 2, तो 16 को डिवाइड करना है किससे, 2 से डिवाइड करना है. तो हम यूज़ करेंगे 2 की टेबल. अब 2 के टेबल में 16 मीन्स 2 की टेबल आपको रीड करनी है और कहाँ तक जाना है, 16 तक. तो 2 की टेबल में 16 कौन सी पोजीशन पे आते हैं, यस 2 8 जार, है ना. 2 8 जार, तो यहाँ पे आ जाएगा 8. ठीक है बच्चों, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 8. 2 8 जार 16 होता है, है ना. और ऐसे ही नेक्स्ट है बच्चों, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमें टेबल यूज़ करनी है 2 की. तो 2 की टेबल में 20 कौन सी पोजीशन पे आता है, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 3, ऐसे करते हुए आपको 20 तक जाना है. तो 2 की टेबल में 20 आता है 10th प्लेस पे, है ना. 2 10 आर 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 10 आर 20, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10. ईजी है ना बच्चों. यहाँ पे आप हिंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10. हमने जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 20 आता है, है ना. तो 2 की टेबल में 20 कौन सी पोजीशन पे आएगा, 10th प्लेस पे. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, यहाँ पे है कि डैश डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7, कि किस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, है ना. ऐसे ही नेक्स्ट है डैश डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको फर्स्ट वाला नंबर फाइंड करना है, पहले वाला नंबर, डिवाइड से पहले वाला नंबर फाइंड करना है, तो बड़ा ही सिंपल मेथड है बच्चों, आपने सेकंड नंबर और ये जो आंसर है आपका थर्ड नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, है ना. तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा 14, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 14, क्योंकि 2 into 7 कितना होता है 14 होता है, है ना. ऐसे ही नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. तो 10 2 10s are 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, मीन्स 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, है ना. ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिए. अगर फर्स्ट नंबर निकालना हो तब तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब ये थोड़ा अलग है, 8 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज इक्वल टू 4, मीन्स 8 को किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए, है ना. तो आपको बताना है कि किसके 4s are 8 होता है, किसके 4s are 8 होता है. तो हमें पता है 2 4s are 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना. और बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बड़ा ही इजी है, इसमें फर्स्ट नंबर निकालना है, तो मैंने बताया था आपको कभी भी फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो तो आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.
तो इजी है बच्चों बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने 2 की टेबल यूज़ की थी, यहाँ पे हम 5 टाइम्स टेबल यूज़ करेंगे, 5 की टेबल यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखिए 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 2 है ना। 5 की टेबल में 10 कौन से जा पे आता है, 2 जा पे है ना, 5 2 जा 10 है ना। अच्छा ये है 20 डिवाइडेड बाय 4, तो बताया मैंने 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 4। तो आपको बताना है कि कितने 4 20 होते हैं, यही तो बताना है आपको कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं के क्या आ जाए 20 आ जाए, कितने 4 20 होते हैं, तो 5 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों 15 5 की टेबल में 15 कौन से प्लेस पे आता है, कितने जा पे आता है, तो ये आता है 5 3 जा पे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा है ना। ऐसे ही 40 डिवाइडेड बाय 8। तो बच्चों 40 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज इक्वल टू 8, कि 40 को हम किससे डिवाइड करें कि हमें 8 मिल जाए। मीन्स आपको बताना है कितने 8 40 होते हैं, तो हमें पता है 5 8 40 होते हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा है ना। इजी है बच्चों बिल्कुल। नेक्स्ट है 20 को 5 से डिवाइड करना है। तो बच्चों 5 की टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है, 5 की टेबल आपको लर्न है अच्छे से, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 है ना। मीन्स 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 20 मिलता है। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी है नेक्स्ट वाला, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता ही रखा है कभी भी फर्स्ट नंबर निकालना हो, फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 है ना। 25 डिवाइडेड बाय 5, 25 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 है ना। डैश डिवाइडेड बाय 5, और मैंने आपको बताया था कभी भी फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 15। इजी है बच्चों। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हमें इजी है बिल्कुल, 5 की टेबल में 35 कौन से नंबर पे आता है। अगर आपको 5 की टेबल लर्न है, डोजिंग टेबल आपको लर्न है, तो आप कर पाओगे, 35 आता है 5 की टेबल में 7 प्लेस पे, 7 5 35 है ना। और ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन दोबारा से आ गया, कितने 5 यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो इन 2 नंबर्स को मैंने बताया था मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 2 यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अब आपको यहाँ 10 टाइम्स टेबल का यूज़ करना है, बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन, आप इजीली कर पाओगे। 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 30 को 10 से करेंगे तो 3 आएगा, 40 को 10 से करेंगे तो 4 आएगा, 50 को 10 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। डिवाइड ही तो करना है, सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल, अगर आपको 10 की टेबल आती है। बच्चों 10 की टेबल में 50 कौन से नंबर पे आता है, 5th प्लेस पे है ना, 10 5 50। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं बच्चों, 40 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 4, मीन्स 40 को हम किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कितने 4 आया हुआ है ना, तो कितने 4 40 होते हैं, तो हमें पता है 10 4 40 होते हैं, तो हम यहाँ पे 10 राइट करेंगे। ठीक है बच्चों, बड़ा ही इजी है बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि कभी भी फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 8 80 है ना, 8 10 80, 5 10 50 और 3 10 30 और यहाँ पे आएगा 2 10 20। इजी है बच्चों बिल्कुल, तो आई होप आप इसे कर पाओगे इजीली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, ये आपको अपने आप से ट्राई करने हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं बच्चों। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं आपका डाउट ले लूँगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बुक चैप्टर के एंड में एक पजल है बच्चों, डिवाइड द क्लॉक
क्लॉक का फेस आपके सामने है, डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है थ्री पार्ट्स में, सो दैट सम ऑफ नंबर्स इन ईच पार्ट इज़ द सेम। तो देखिए बच्चों, एक लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, आप यहाँ पे देखिए इन नंबर्स का सम कितना आएगा, 11 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 2, जब आप इन्हें प्लस करोगे तो इनका नंबर, इनका जो सम आएगा वो आएगा 26। अब आपको टू पार्ट्स और बनाने हैं, थ्री पार्ट्स में करने हैं ना, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो आपको टू पार्ट्स और बनाने हैं, तो उसके लिए हम एक लाइन लगाते हैं, ये लग गई लाइन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए क्लॉक के, टू पार्ट्स। अब आप इन्हें काउंट ऐड करके देखिए बच्चों, 10 प्लस 3 13 होता है, 9 प्लस 4 13 होता है, 13 प्लस 13 26 होता है, तो सेकंड पार्ट में भी सम कितना हो गया, 26। ठीक है, 8 प्लस 7 15 होता है ना, 8 प्लस 7 कितना होता है, 15 होता है, 15 प्लस 6 21 हो जाएगा, 21 प्लस 5 अगेन 26 हो जाएगा। तो आपको क्लॉक को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना था और तीनों पार्ट्स में सम ऑफ नंबर्स जो है वो कितना रहना चाहिए था, सेम रहना चाहिए था। तो आप देखिए तीनों पार्ट्स में सम ऑफ नंबर्स जो है वो क्या है, 26, यहाँ पे भी 26 और लास्ट लोअर पार्ट में भी 26। ठीक है बच्चों, तो ये पजल थी आपके लिए, रिडल थी एक, जिसे आपको सोल्व करना था और मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।